हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर का इंग्लिश का चैप्टर थ्री का नसरुद्दीन से। तो आपको पता होगा हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन ने किसके बारे में उसने अपनी तारीफ, किसके बारे में उसने बढ़ाइयां की थी। तो आर्चरी के बारे में उसने बढ़ाइयां की थी। नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट आर्चरी। नसरुद्दीन ने आर्चरी के बारे में बढ़ाइयां की थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड नसरुद्दीन टेक सम, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट। तो जितनी भी बार उसने टारगेट को मिस कर दिया, उसकी तीर उसके टारगेट पर, उसके निशाने पर नहीं लगी, उतनी ही बार उसने दूसरे का नाम क्यों लिया। क्यों लिया? क्योंकि आंसर आएगा हमारा बिकॉज ही हैड बोस्टेड विद हिज फ्रेंड्स दैट नो वन कैन मैच माय स्किल इन आर्चरी। क्योंकि उसने अपने दोस्तों से कहा था कि आर्चरी में उसका मुकाबला, उसने अपने दोस्तों से बढ़ाइयाँ की थी कि आर्चरी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं। व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वाज माय एम द थर्ड टाइम। तो तीसरे बार में नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा निशाना था। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर है बिकॉज थर्ड टाइम ही एरो हिट द राइट टारगेट। क्योंकि तीसरे बार में उसकी जो एरो थी, तीर थी, वो सही निशाने पर जाकर गई, मतलब सही निशाने पर लगी। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन जो था कि वो आर्चरी में अच्छा था? तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो, आई थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। नहीं, मुझे लगता है कि नसरुद्दीन जो था वो आर्चरी में गुड नहीं था, आर्चरी में अच्छा नहीं था। क्योंकि आर्चरी में अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो, अगर आर्चरी में अच्छा होता तो वो जब आर्चरी वाला बो से वो एरोज को शूट कर रहा था तब उसका एरो जो था वो राइट टारगेट पर जाकर लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो ज़मीन पर ही गिर गया था। इसलिए उसने कहा था कि आज़ाद का है, उसने झूठ बोला है ना। तो अगर वो तीरंदाजी में अच्छा होता, आर्चरी में अच्छा होता, तब वो झूठी नहीं बोलता है ना, तो इसलिए। ओके, अब आपकी बुक नंबर 50 में देखिए, बुक के पेज नंबर 50 में वर्ड बिल्डिंग में शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। तो आपको एक एरो बना दी गई है, उसमें दिया गया है चैटिंग, फिर आपको एक सर्कल बना दिया गया है, उसमें दिया गया है शूटिंग विद अ बो एंड एरोस। तो आपको वो मैच करना है। तो चैटिंग का क्या होएगा? चैटिंग का होएगा टॉकिंग इनफॉर्मली। चैटिंग का होता है टॉकिंग इनफॉर्मली। देन अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज, अमेजमेंट मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट, टारगेट मतलब होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। ठीक है, देन लास्ट वाला है हमारा लास्ट वाला है ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली मतलब मतलब इसका हमारा क्या होएगा? हैप्पीली एंड प्राउडली, हैप्पीली खुश होके और गर्व से। जैसे अब चैटिंग का टॉकिंग इनफॉर्मली मतलब हमें जानकारी से बात करना, ठीक है। अमेजमेंट मतलब होता है बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या होता है? हम जब सरप्राइज होते हैं, हम बहुत चक्के हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अमेजमेंट। ओके, देन आर्चरी, आर्चरी मतलब होता है एक गेम जिसमें हम बो से और एरो से
टारगेट पर राइट टारगेट पर शूट करते हैं. डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब होता है अपने मतलब बचाना, अटैक से बचाना. देन टारगेट, टारगेट मतलब होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, मतलब गोल जहाँ हमें मारना रहता है तीर से हम उसे कहते हैं टारगेट. टारगेट मतलब होता है निशाना, ठीक है, जहाँ हमें मारना रहता है. और ट्रायम्फेंटली मतलब, ट्रायम्फेंटली मतलब होता है हैप्पीली एंड प्राउडली, मतलब खुशी से और गर्व से. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.